कार्ड है, इसके अंदर रेक्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स रखे होते हैं, जिसमें ऑयल की थैलियाँ भी हैं। ऑयल बेतहाशा मिकदार में मौजूद था, बॉडी स्प्रे हैं, दूसरी चीज़ें जिसने आग को बढ़ावा दिया और उसको कंट्रोल करने में मुश्किलात पेश आईं, और दूसरी चीज़ ये तमाम चीज़ें क्योंकि रेक्स में रखी जाती हैं, पानी टारगेटेड जगह पर नहीं लग पाता, क्योंकि एक पानी को मुख्तलिफ हमने अभी 6 से 7 लाइनें ऑन की हुई हैं, ऑपरेट कर रही हैं। यही वजह है कि अब अल्लाह का शुक्र है शोले को हमने दबा दिया कूलिंग की प्रोसेस में। मार्ट में हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्लेमेबल होती हैं जिसकी वजह से जो है वो आग अंदर ही अंदर लगी हुई है। वो जो आग के बाद के जो असरात होते हैं वो उसकी वजह से अंदर बहुत हीटअप है। उस हीट को अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी के साथ उसको ठंडा किया जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ख़तरा था कि बिल्डिंग कोलैप्स करने का, वो शायद ऐसा ना हो, इंशाल्लाह ताला उस पर हम काबू पा लेंगे। दीवारों को तोड़ दिया है, पानी भी अंदर चला गया है, शोलों को दबा दिया गया है, अब वहाँ शोला नहीं है, लेकिन क्योंकि रेक्स हैं, रेक्स के अंदर सामान रखा हुआ है, कोई टेम्परेचर ज़्यादा होने पे कोई बॉडी स्प्रे ब्लास्ट होता है तो वहाँ फायर पकड़ लेती है फौरी, और फिर उसको कूलिंग कर दी जाती है। बिल्डिंग को इस वक्त ये है कि काफ़ी कल से अभी तक काफ़ी जले हैं, सेंटर के जो इसके पिलर हैं, बाकी जो इसके इर्द गिर्द के पिलर्स हैं वो इतने डैमेज नहीं हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ अल्लाह ने चाहा तो बिल्डिंग को कुछ नहीं